प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज एंटरटेनमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर कई सारी फिल्में बनाई गई हैं। विवेक ओबराय से लेकर महेश ठाकुर तक सभी ने पीएम मोदी का किरदार निभाने की कोशिश की है। अब महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान भी यही भूमिका बड़े पर्दे पर निभाने जा रहे हैं। बहुत जल्द पीएम मोदी पर एक और फिल्म बनने जा रही है जिसमें बतौर लीड रोल गजेंद्र चौहान को कास्ट किया गया है। फिल्म का नाम एक और नरेंद्र रखा गया है, जहां पर दोनों स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के बारे में बताया जाएगा। डायरेक्टर मिलन भौमिक ने बताया है कि इस कहानी को दो किस्सों के रूप में दिखाया जाएगा। पहले किस्से में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, वहीं दूसरे किस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर फोकस रहेगा। बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में ही गजेंद्र चौहान इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे और फिर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इसे रिलीज करने की तैयारी है। वैसे तो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर गजेंद्र चौहान भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वह पीएम की पर्सनैलिटी का हर रूप पर्दे पर दिखाने वाले हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एनएन न्यूज एंटरटेनमेंट।